हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आप सब लोग जो है लैपटॉप योजना का जो फॉर्म है उसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आवेदन फॉर्म कहां से प्राप्त करें, कब होगा रजिस्ट्रेशन, ये कुछ चीज़ें जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। तो सोचा मैं आपको इसको क्लियर कर दूँ। तो लेकिन आप लोग एक अच्छे सब्सक्राइबर है और आप तक अच्छी बातें पहुंचाना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको हर चीज़ मालूम हो ताकि आप हर चीज़ को कर सकें। क्योंकि अच्छे व्यूवर्स, एक अच्छे सब्सक्राइबर की पहचान यही है कि वो सारी चीज़ों को समझे। पहले आपसे यही कहना चाहूँगा, और आपको बहुत सी वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पर ताकि आपको जो है वो कर सकें। तो मैं भी आपको अपनी बातें क्लियर कर देता हूं ताकि आपको बहुत सी चीज़ें मेरे वीडियो के जरिए क्लियर होती हैं और उम्मीद है कि आगे भी क्लियर होती रहेंगी। तो चलते हैं आज की न्यूज़ की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले दोस्तों। थोड़ा सा कुछ स्क्रीन की दिक्कत हो गई दोस्तों, अभी ये आ जा रहा है, ये थोड़ा सा कुछ सिस्टम देख सकते हैं कि ये है, ये कुछ अपडेट्स है और कुछ अपडेट्स जो है मेरे पास यहाँ पर भी है कि वितरण होगा। आज ही की अपडेट है, 7 तारीख है और ये भी एक अपडेट है 7 तारीख। ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी होगी, क्या है, कैसे है, ये सब है। यहाँ तक कि आप लोग जान चुके हैं क्या चीजें के रिक्वायरमेंट है। इसमें जो एक ऑफिशियली वेबसाइट है इसके बारे में भी सारी चीजें क्लियर है। तो खैर, ये पूरी चीजें हैं जो आप लोग सबसे ज्यादा परेशान कि किसको मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो वो सारी चीजें। तो आधार पर ये देखिए, मानदंड छात्रों के चयन करने समाज के कमजोर को शामिल किया जाएगा, ना केवल टापर बल्कि हमारे समाज के कल्याण, ये मुख्यमंत्री जी का कहना, उसी के आधार पर मानदंड होगा। अब यहां पर ये पॉइंट थोड़ा समझे, कौन कौन आवेदन, ये पॉइंट लेकर समझना चाहते हैं कौन कौन आवेदन कर सकता है। अब इसमें 3 पॉइंट है, पहले इस चीजें समझे दोस्तों। यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के अच्छा छात्र हैं तो इस मुद्दे के आवेदन करना चाहते हैं तो शर्त अवश्य जांच कर ले, यानी आपको ये 3 पॉइंट जांच करना होगा। पहली चीज की योजना में उत्तर प्रदेश स्टूडेंट के लिए है जिन्हें 12वीं परीक्षा के अंदर 65% से ज्यादा स्कोर किया था, यानी उनका स्कोर जो है, स्कोर कार्ड है 55% होना चाहिए। छात्र एवं छात्रों को उत्तर प्रदेश का निवासी होना, ये तो कंपलसरी है दोस्तों, जो के लिए आवेदन फॉर्म माध्यम से भरे जाएंगे ऑनलाइन। ये देख सकते हैं आवेदन फॉर्म ऑनलाइन है दोस्तों, ऐसा नहीं कि ऑफलाइन के लिए कहा जा रहा, ऑनलाइन से जो भी छात्र प्रश्न ले रहे हैं वो प्रवेश ले चुके हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं। ये सारी चीजें स्थायी निवास होना चाहिए और उसका जो है ये यहाँ पे क्या क्या है उसी के आधार, और नंबर भी होना चाहिए जो आधार से लिंक हो, यानी पूरी डेट से अप टू डेट है ये सारी चीजें। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा सा, अब जो आपके मेन क्वेश्चन है जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं तो वो मैं बता दूं कि यूपी में व्हाट इज द यूपी फ्री लैपटॉप योजना का वेबसाइट क्या है, ये लैपटॉप की वेबसाइट की योजना है। यूपी फ्री लैपटॉप रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा, इसका पंजीकरण जल्दी शुरू होंगे, अभी कोई डेट अभी तक मिली अनुसार ये होंगे। ऑनलाइन फॉर्म कहाँ से प्राप्त होंगे, आवेदन यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ से, तो इसके लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है। देख दोस्तों, मैं बार बार कहता था कि ऑनलाइन है ही है, आप लोग परेशान है कि नहीं ऑफलाइन है, तो घोषणा पर किए पर कराएं, ऑफिशियल वेबसाइट लिंक उपलब्ध कराया जाए, तो जो ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक है वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। यूपी में आवेदन कहाँ से प्राप्त कब होगा, तो यहाँ पर ये पॉइंट समझिएगा कि उत्तर प्रदेश में फ्री लैपटॉप योजना ऑनलाइन आवेदन रूप से वेबसाइट पर कर सकते हैं। ऑनलाइन तारीख पुष्टि नहीं हुई, देख सकते हैं अभी रजिस्ट्रेशन की जो पुष्टि वो नहीं हुई, परंतु मोदी जी ने इसका अक्टूबर माह में वितरण की घोषणा की जा चुकी है, यानी अक्टूबर में इन्होंने किया ये सारी चीज़ें। और अभी तक कोई भी ऐसे यहाँ पे नोटिस यहाँ पे जो है नहीं आया, कोई ऐसा लिंक भी नहीं है और लिंक आया ही नहीं है, ना कोई फॉर्म आया है। बहुत से लोग इस चीज़ को लेकर परेशान थे, ये होगा। ठीक है दोस्तों, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूले। और ये यहाँ पे इस मंथ से टैबलेट स्मार्टफोन का वितरण जो है वो शुरू होगा, वितरण मन शुरू होगा शनिवार की बैठक में इसे लेकर जो है उन्होंने कहा है। और सूची में करीब जो इसका फॉर्म आवेदन भरने का आसानी होगी, यानी पढ़ाई के लिए ऑनलाइन ही सारी चीज़ें होनी है, कुछ नहीं होना है, ये सारी बातें दोस्तों। तो खैर, ये एक अपडेट था, सोचा आपको रूबरू करा दूं, मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। पूरी चीज़ें समझिएगा अच्छे से, क्योंकि आज से ज़्यादा लोग, और ये तरीका बताया है कि कैसे कैसे करना है, क्योंकि आपका ये चैनल जो है ये आपके जो है लगा हुआ है, फातिमा इन्फोटेक सॉल्यूशन भी लगा हुआ है और लैपटॉप की क्लियर आयत आईटी सर्विसेज भी लगे हुए हैं। तो इसके लिए दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है
अपडेट आप तक पहुंचती है। और बाकायदे इसका एक ग्रुप भी बनाया जा चुका है, तो आप लोग उस ग्रुप को अगर ऐड होना चाहते हैं तो आप लोग हमें जो है मैसेजेस करें, नंबर ऑलरेडी जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो, आप मैसेज वहां से निकालिए, नंबर दिया गया है, आप इस पर कॉन्टेक्ट करिए तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा या आपको लिंक दे दिया जाएगा तो आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। तो खैर दोस्तों, आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। तो ये एक अपडेट था, मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी, और अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चंस करें, मैं रिप्लाई फिर देता हूं। तो मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और फातिमा इंफोटेक सॉल्यूशन और IS IT सर्विसेज से कांटेक्ट में बने रहें। आप लोग तकिए पर, ये दुकान आपकी है और ऊपर वाले के रहमोकरम से, और मैंने जो इस दुकान, ये मेरी ही दुकान है दोस्तों, इस दुकान पर मैं बैठता हूँ, आप लोग ज़रूर विजिट करें, 3 बजे के बाद मेरी आपसे मुलाकात यहाँ हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित।